बहुत स्वागत है आपका आओ लिखे पर। आज हम कबीर दास जी का जीवन परिचय लिखेंगे, तो आओ लिखें। साहित्य जगत में विशेष स्थान रखने वाले कबीर दास जी के जन्म और जन्म स्थान को लेकर विद्वानों में मतभेद देखने को मिलता है। कुछ विद्वान इनका जन्म काशी में सन 1398 तथा कुछ सन 1440 में हुआ मानते हैं। ऐसा माना जाता है कि इनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ, लेकिन विधवा होने के कारण लोक लाज के डर से इनकी मां ने इन्हें लहर तारा नामक तालाब के किनारे छोड़ दिया। वहां से एक मुस्लिम जुलाहे दंपत्ति नीरू व नीमा को ये मिले। उन्होंने इन्हें अपने पास रख लिया और इनका पालन पोषण किया। बाद में उन्होंने प्रीतक व्यवसाय को अपनाया और कपड़ों की बुनाई करने लगे। माना जाता है कि कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, वो जो कहते थे उनके शिष्य उसे लिख दिया करते थे। वे एक ही ईश्वर को मानते थे, अवतार मूर्ति पूजा आदि में वे विश्वास नहीं करते थे, वे निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। कहा जाता है कि कबीर दास वाराणसी के पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर रामानंद जी की प्रतीक्षा में लेट गए। जब स्वामी रामानंद जी सीढ़ियों से उतर रहे तो उनका पैर कबीर दास के शरीर पर पड़ा और उनके मुख से राम राम शब्द निकला। उसी राम को दीक्षा मंत्र मानकर कबीर दास ने रामानंद जी को अपना गुरु स्वीकार कर लिया। कबीरदास जी की पत्नी का नाम लोई था, उनके पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली था। कबीरदास जी की भाषा पंचमेल खिचड़ी एवं सदुकड़ी है, क्योंकि उनकी भाषा में हिंदी भाषा की सभी बोलियों के शब्द सम्मिलित हैं। राजस्थानी, हरियाणवी, पंजाबी, खड़ी बोली, अवधी, ब्रज भाषा के शब्द अधिकतर प्रयोग किए गए हैं। कबीरदास मानते थे कि गति कर्मों के अनुसार मिलती है, ना कि किसी विशेष स्थान पर मृत्यु के कारण। इसलिए वह अपने अंतिम समय में काशी को छोड़कर मगहर चले गए, क्योंकि लोगों की ऐसी मान्यता थी कि काशी में मरने पर स्वर्ग और मगहर पर मरने पर नरक मिलता है। मगहर में सन 1518 में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। धर्मदास ने कबीर की वाणियों का संग्रह बीजक नामक ग्रंथ में किया है, जिसके तीन मुख्य भाग हैं। साखी अर्थात साक्षी, कबीर की शिक्षाओं और सिद्धांतों का निरूपण अधिकतर साखी में हुआ है। सबद, ये पद है जिसमें संगीत विद्यमान होता है। इसमें कबीर दास जी की प्रेम और अंतरंग साधना की अभिव्यक्ति हुई है। रमैनी, चौपाई छंद में लिखी गई है। इसमें कबीर दास जी के रहस्यवादी और दार्शनिक विचारों को प्रकट किया गया है। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, लिखते रहिए। धन्यवाद।